आप देख लें। हम कलम के मुकाबले में अल्फाज बड़े बना रहे हैं। अगर हमारा कलम 3 या 4 मिलीमीटर का होता है तो अल्फाज हमारे वो 8 मिलीमीटर के बकदर लगते हैं। अब अलहमदु का लफ्ज़ बड़ा है तो हम बिल्कुल अलिफ के मुकाबले से शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर नीचे आकर ख़त्म होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा मश्क में सोचें कि हमदु को हमें ऊपर से शुरू करना है ताकि वो अलिफ के बराबर आ जाए। और फिर ये हमारी लाइन है, देखिए अभी मैं बग़ैर लाइन के लिख रहा तो स्पेसेस जो हैं वो हमारे बराबर होने चाहिए। अच्छा किया कलम और फिर आगे वाली नोक से बनाया, पीछे वाली नोक उठा दी। अभी मैं छोटा वाला बा बना रहा आखिर होगा। बिल्कुल अच्छा, इसलिए कहना अच्छा चाहिए। तो पेपर अच्छे बना के लाएगा, उसके पेपर पे मश्क होगी और फिर वो मश्क उसको बतौर मुकद्दस और आगे ले जाए। अभी मैं तेज़ जा रहा हूँ, वैसे जो स्पीड होनी चाहिए उतनी नहीं है। ऐसी स्पीड हो कि देखने वाले दोनों ही, लेकिन लिखने वाले को मजा आता। नोट किया, देखना नहीं है, अपनी गलतियों को नोट करना है कि मैं क्या गलती की। ये वाला काफ किसी के जहन में आया? मैंने काफ गलत बनाया, इस काफ का होना गलत नहीं है। अब मैं इसके लाइन के नुक्ते बनाऊंगा ताकि वो भी एक लाइन बना सकें।
کس طرح نیچے سے نیچے والے لوگ کو اٹھانا ہے یہ آپ نوٹ کریں. اچھا کیا قلم اور نیچے والی لوگ اٹھا دیں اوپر والے نیچے آرام سے کر دیا. الف کے اوپر سے لگانی شکی اور اس کے درمیان سے پار کر دیں. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. سر اس کے اوپر سے اسٹارٹ نہیں کرنا, اس کے اوپر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں چونکہ میں نستعین لکھنے جا رہا ہوں اب نستعین بالکل اس کے برابر ایسے آ کے بیٹھے گا گویا کہ اللہ نے ایسے ہی چاہا. کا نقطہ بھی ہے اور نستعین کے نون کا نقطہ بھی ہے. پیپر تو لکھنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں نے گیپ تھوڑا کم رکھا. سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو یا آپ وہ کہاں ہیں آپ الف الذین کو الگ الگ کر کے لکھیں ایسے ہیں.